दोस्तों, अगर आप में से हर बंदा उस प्रिंसिपल को पकड़ ले तो उसकी तरक्की शुरू हो जाएगी। और उस प्रिंसिपल का नाम था कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। कॉन्स्टेंट, लगातार, एंड नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाली बेहतरी। लगातार, कभी ना खत्म होने वाली बेहतरी। कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। आप यकीन कीजिए, यह प्रिंसिपल अपनाने के फकत 15 से 20 साल बाद दुनिया में सुई के ऊपर भी मेड इन जापान लिखा होता था, बिक जाती थी। अभी भी आप देख लें, जापानी गाड़ी की हालत बेहतर है। अभी भी मुझे चंद दिन पहले कोई तस्वीर दिखा रहा सोशल मीडिया पे, बड़ी वायरल हुई हुई, कि लोकल मैन्युफैक्चर असेंबल हुई गाड़ी जो थी, उसका एक्सीडेंट होता है और दरमियान में एक जापानी कार थी और आगे फिर जो लोकल कार थी, तो जो दरमियान वाली थी आप जानते हैं वो ज्यादा हिट होती है, तो सबसे ज्यादा पीछे वाली हिट हुई थी, सेकंड नंबर पे ज्यादा हिट आगे वाली हुई थी और दरमियान वाली पे थोड़े से डेंट पड़े हुए थे और बम्पर उतरा हुआ था। उसने कहा ये है जापानी गाड़ी। अभी भी आप जाके देखें, आपके बड़े बूढ़ों में, अंकल चचा वगैरह, जो आज से 15-20 साल 25 साल पहले सऊदीया से, कतर से, इराक से, गल्फ से आते थे, वो जापान का बना हुआ टीवी लाते थे, वो जापानी इस्त्री लेकर आते थे, वो जापानी जूसर लेकर आते थे, और वो जापान की चीज आप कहते थे जी दुनिया में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर क्वालिटी के तवार से कोई चीज है तो वो क्या है, वो जापानी चीज है। क्यों है? एक प्रिंसिपल उन्होंने पकड़ लिया, कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। रोज बेहतरी, पहले से बेहतर करना, अपनी सोच को, अपने अंदाज को, अपने अतवार को, अपने इल्म को, अपने अपने सोचने के अंदाज को, अपने फलसफे को, अपने विजडम को, अपने मैनर्स को, अपनी आदतों को रोज की बुनियाद पे इंप्रूव करते करते करते। अब इस वक्त सुन लीजिएगा, क्या है दुनिया में टॉप 5 पुरअमन जो मुल्क हैं उसमें जापान शामिल है। दुनिया में टॉप 5 जो कंट्रीज जहां पर एजुकेशन सबसे बेस्ट है, जापान शामिल है। दुनिया में टॉप 5 कंट्रीज जहां पर क्राइम नहीं है, जापान उसमें शामिल है। दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज जो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से सबसे बेहतरीन है, जापान शामिल है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुहज्जब कौम, जहां का बच्चा भी तमीज वाला है और जहां पे बूढ़ा भी तमीज वाला है, टॉप 5 कंट्रीज में नाम किसका आता है? जापान का आता है। क्यों आता है? आज से 70-80 साल पहले उन्होंने एक प्रिंसिपल पकड़ा और प्रिंसिपल का नाम क्या था? कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। आज अंदाजा लगाएं, झूठा लिखा जाता है ना किसी चीज पे, मेड इन जापान, वो बिक जाती है। मेड इन जापान झूठा प्रिंट कर देना, वो बिक जाता है। यानी जापान का वर्ड जो है वो क्या हो चुका है? वो ब्रांड हो चुका है, सिर्फ एक प्रिंसिपल की वजह से। अब मुझे बताइएगा, आप सब जो यहां बैठे हैं, हम सब मुसलमान हैं, और अगर ये मैं कहूं कि ये प्रिंसिपल आज से 1400 साल पहले हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बता दिया था, प्रिंसिपल क्या था? आपने फरमाया, हलाक है वो शख्स जिसका आज का दिन पिछले दिन जैसा है। यानी हलाकत क्या है? वो जाया हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी तरक्की रुक गई।